नफरत इस कदर बढ़ चुकी है कि भैया प्यार के शब्द नहीं, अब तो ऐसा कुछ सुनने को मिलता है जो बताया नहीं जा सकता। 27 दाने उड़द के छत पर डाल दीजिए, बस पार्टनर तुम्हारे चरणों का दास होगा। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी और आपका बहुत स्वागत करता हूं। आज हम कह रहे हैं उड़द के 27 दाने छत पर ये शब्द बोलकर डाल देने मात्र से आपके रिश्ते में मधुरता बढ़ जाएगी। कुछ ही मिनटों में सामने वाले के विवेक पर आपका कमांड होगा और जो तुम चाहोगे वैसा होने लग जाएगा। ये सब सुनी सुनाई बातें अभी तक थी, हमारे यहाँ ये सब प्रूफ होने लग गया। आपको बार 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 उन सब चीजों का अंदाज लगने लग गया। आप में से शायद कुछ एक आध लोग ऐसे बचे होंगे जिन्होंने हमारे एक भी उपाय कभी अप्लाई न किया हो और उसको फायदा ना हुआ हो, ऐसा तो एक भी व्यक्ति शायद होगा। और हाँ, बहुत समझ कर चलना, ये व्यवस्था सिर्फ आपके लिए चलाई जा रही है और यहाँ सिर्फ रिश्तों को ठीक किया जाता है। रिश्ता चाहे माँ बाप का बच्चों के साथ हो और चाहे भाई बहनों का अपने सहोदरों के साथ, चाहे पति पत्नी का रिश्ता हो, चाहे प्रेमी प्रेमिका का रिश्ता हो, रिश्ता जिस भी रूप में होगा उसे ठीक किया जाएगा। आज मैं कह रहा हूं शब्द ब्रह्म है, शब्द ब्रह्ममयी कथा श्रुतकथा देवास्य देवान भृता। देव कहते हैं, भगवान कहते हैं, वेद कहते हैं, शब्दों में जितनी ताकत है उतनी कहीं नहीं है। पूरे के पूरे विश्व में सबसे ज्यादा अगर कहीं ताकत है, सबसे ज्यादा अगर कहीं बल है, तो वो शब्दों में है। शब्दों की वो ताकत है कि किसी को आप अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हो। शब्दों में वो ताकत है किसी को आप क्रोधित करके विवाद कर सकते हो। शब्दों में वो ताकत है कि गोलियां चल सकती है। शब्दों में वो ताकत है कि कोई व्यक्ति आपको सर्वस्व मान ले। सब शब्दों का कमाल है। इन्हीं शब्दों की ऊर्जा पकड़कर मंत्र बनाए गए और वो मंत्र आपके जीवन में कारीगर होते हैं। उड़द की दाल पूरे विश्व में, लेकिन खास तौर पर ध्यान रखिएगा, उड़द हमें साबुत चाहिए होगी। काली ले लें, हरी ले लें, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन साबुत लें। काली थोड़ी ज्यादा जल्दी काम करती है, हरी वाली थोड़ा स्लो काम करती है, पर काला उड़द बहुत जल्दी काम करता है। तो काला उड़द होगा, खड़ा वाला तो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। आपको 27 दाने इस प्रकार से करके छत पर डाल देने हैं मात्र। उसके बाद इन एक एक दानों में 27-27 नक्षत्रों की ताकत आएगी और एक एक दाने के अंदर, हर एक नक्षत्र के अंदर 9 ग्रह व्याप्त होंगे और ये ताकत किस लेवल में बढ़ जाएगी आप सोच नहीं सकते। 27 उड़द के दानों की नींद है। इसे कच्चे दूध से धो लें, गाय का हो तो बहुत अच्छा, वैसे कोई भी दूध लिया जा सकता है। गाय और बकरी ज्यादा काम करता है अगर मिले तो अच्छा, नहीं तो सामान्य दूध से भी कर सकते हो आप। कच्चे दूध से 27 उड़द के साफ सुथरे अच्छे दाने निकालें, उसे साफ कर लें, क्लीन कर लें, सुव्यवस्थित कर लें और हल्के गीले रहने पर ही उसको हल्दी में डाल दें ताकि उसके ऊपर हल्दी थोड़ी ओतपोत हो जाए और उसके बाद झाड़ दें जितना झड़ सकता है और बस हाथ में पकड़े छत पर जाएं। खुली तरफ चारों तरफ देखें कि आपको कोई देख ना रहा हो और कोई टोका टाकी ना करे और बस 3 बार उतारना है और जल्दी से फेंक देना है जिधर भी आपको मतलब हाथ घूम रहा है उसी दिशा में। तरीका बता रहा हूं, ध्यान से समझना। बोलना है अघोरे भ्यो नमः। क्या बोलना है? अघोरे भ्यो नमः, ऐसा कहके 3 बार, 1, 2 और तीसरे के बाद मुट्ठी घुमाते हुए ऐसे छोड़ देना है ताकि चारों तरफ वो दाने बिखर जाए। और छोड़ने के बाद अपने बाएं पैर से 3 बार जमीन पे लात मार देनी है और वहां से चले जाइए। आज की बात, इस कार्य के करने के बाद, इस उपाय के पश्चात भी आपका काम नहीं होता तो आप सत्य मानिए कि आपके भाग्य, आपके प्रारब्ध में कहीं कोई कमी होगी या कोई बहुत बड़ी गलती कर रखी होगा जिसका रिसर्च होना बाकी है। वरना इस कार्य से त्वरित लाभ होता है, तुरंत लोगों को अपने जीवन में परिवर्तन आता है, रिश्ते सुधर जाते हैं, प्यार बढ़ जाता है, प्यार वैसा बन जाता है जैसा तुम बनाना चाहते हो।
करके देखिए, अद्भुत प्रयोग है, लाखों लोगों ने किया है पहले, अब आपकी बारी है। आज आपके सामने ये साझा किया है, पूरी मन से पूरी श्रद्धा पूरे विश्वास के साथ करना, किसी भी स्थिति में किसी सिचुएशन में किया जा सकता है, बस आखिरी होनी चाहिए, ये उपाय रात में ही जरूर कारगर होता है। बहुत धन्यवाद, खुश रहो, प्रसन्न रहो, मुस्कुराओ, सुंदर बनो, हर घर आधे घंटे में प्रणाम करके पाएंगे। रोना बिलखना, परेशान होना, उल्टा सीधा सोचना, निगेटिव सोचना, पूरी चीजें दिमाग में लाना, प्रीवियस लाइफ बताना, ठीक से रहो, अच्छे बच्चों की तरह रहोगे तो तुम्हारा जीवन परी ठीक होगा, तुम 95 प्लस में होगे, वो 5% में पता मैं किसको रखना चाहता हूँ, ये तांत्रिक मंत्री जो हमारा वीडियो देख करके अपने संज्ञान बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको रखना चाहते हैं, तुम बच्चे तो 95 प्लस में आ जाओ, उधर काम है आपका। ओम नमः शिवाय।